असेंबली और पार्लियामेंट। न्याय पत्र में घोषणा करते हो आप राहुल जी और खारगे जी कि कोई भी एमएलए और एमपी अगर दल बदले तो आप उसका ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन करोगे संविधान का अमेंडमेंट करके, 10th शेड्यूल का अमेंडमेंट करके। मैं आज इसीलिए पूछना चाहता हूं, आज कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और यहां के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, हम देखते हैं टीवी में और पेपरों में कि बार बार राहुल जी संविधान को फ्लॉन्ट करते हैं, संविधान को दिखाते हैं, ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे कि वो संविधान के रक्षक हैं, संविधान के प्रतीक हैं। और संविधान को अगर कोई इज्जत करते हैं तो राहुल जी करते हैं और कोई नहीं करते हैं। इस तरीके का एक ऑस्कर अवार्ड लेवल की एक्टिंग राहुल जी करते हैं, पर देखिए क्या कर रहे हो। एक तरफ पार्लियामेंट में जो 2-4 किलोमीटर दूरी में है यहां से, वहां पे आप कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाते हो और उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो हमारे एक सदस्य पोचारम श्रीनिवास रेड्डी जी जो बीआरएस के एमएलए हैं उनका हाथ मिलाते हैं, इंकरेज करते हैं। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, तेलंगाना सीएम गेट्स द नॉट ऑफ एआईसीसी टू इंडक्ट मोर बीआरएस एमएलए। मतलब एआईसीसी की अनुमति से, एआईसीसी की सहमति से, एआईसीसी की इंकरेजमेंट से आज तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जो भी कांड कर रहे हैं ये उनकी सहमति से हो रहा है। और हरियाणा में अजीब सी बात है, हरियाणा में जहां आप देखेंगे उनके एक एमएलए कांग्रेस की किरण चौधरी जो कांग्रेस के टिकट से जीती और बीजेपी में शामिल हो गई, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के लिए आज भी कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और उसको लेके कोशिश भी कर रही है। और सबसे अहम बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज कांग्रेस पार्टी स्वयं मणिपुर में जब उनके एमएलए मणिपुर में डिफेक्ट कर गए, एक आदमी थे एमएलए श्याम कुमार जिन्होंने जीते तो वो कांग्रेस में थे, बदल गए बीजेपी में और उसको लेके कांग्रेस ने काफी लड़ाई की और अल्टीमेटली स्पीकर ने यह तय किया कि जो भी अगर डिफेक्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच, जस्टिस नारीमन, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राम सुब्रमण्यम की 3 जज वाली बेंच ने एक फैसला लिया था मणिपुर वाली केस में, जहां के पीसीसी अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव मेघचंद्र सिंह ने पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में श्याम कुमार जी के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया कि स्पीकर को 3 महीने के अंदर तय करना चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन में। यह जजमेंट आया 2020 में, उसको लेके जजमेंट की कॉपी भी मैं आपको दे सकता हूं। उसको लेके आज श्याम कुमार जी को डिस्क्वालिफाई किया गया और उनको पद से हटाया गया। और हाल ही में जो एक किस्सा हुआ हिमाचल प्रदेश में, जब अभिषेक मनु सिंघवी जी कांग्रेस के राज्यसभा के उम्मीदवार थे तो वहां के 6 लेजिस्लेटर कांग्रेस के बीजेपी को वोट दे दिए और राज्यसभा वाली इलेक्शन में, उसके खिलाफ भी आज कांग्रेस हिमाचल में आज लड़ रही है। मैं इसलिए पूछना चाहता हूं, जब आपके साथ गोवा में इलेक्शन होता है तो आप शपथ दिलवाते हो आपके लेजिस्लेटर से कि आप दल बदलेंगे नहीं, जब आपके मणिपुर के एमएलए कांग्रेस वाले बीजेपी में शामिल हो जाते हैं आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो, लड़ते हो और उसके खिलाफ ऑर्डर लाते हो, जब कर्नाटक में आपके चीफ मिनिस्टर स्वयं कहते हैं कि 50 करोड़ की खरीदारी हो रही है आज एमएलएस की, कांग्रेस वाली एमएलएस की बीजेपी के जरिए, तो उस बारे में भी आज राहुल गांधी उसको सपोर्ट करते हैं। और हिमाचल में भी हम जो देखते हैं उसके बारे में भी आज लड़ाई चल रही है। और सबसे अहम बात, कांग्रेस की एक मैनिफेस्टो निकली थी अभी हाल ही में जब पार्लियामेंट हुआ तो न्याय पत्रा करके उनका मैनिफेस्टो, नेशनल मैनिफेस्टो, जिसकी लॉन्च की गई थी तेलंगाना में, तेलंगाना में इसकी लॉन्च हुई थी, जिसमें राहुल गांधी और उनकी पार्टी ये कहती हैं न्याय पत्र में कि हम न्याय करेंगे। दिस इज द एग्जैक्ट थिंग आई एम रीडिंग आउट, वी प्रॉमिस टू अमेंड दिस 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड मेक डिफेक्शंस